जग्गू बेटे, हमारी खुद के समोसे की दुकान होते हुए भी एक एक समोसे को तरसते हैं हम। पता नहीं तुम्हारे पापा का लालच कब खत्म होगा। मम्मा, इससे अच्छा तो पापा का जूते गाँठने वाला काम था, कम से कम देखकर खाने का मन तो नहीं करता था। जग्गू, तू तो फिर भी खा लिया करता था। मम्मा, आप तो मेरा मजाक उड़ा रही हो, मैं जा रहा हूँ स्कूल। फिर जग्गू कौवा अपना बैग लेकर स्कूल चला जाता है। लंच टाइम होने पर सभी बच्चे अपना टिफिन खोलते हुए बातें करते हैं। जग्गू, अब तो तेरे मजे ही मजे होंगे। वो कैसे बुलबुला, मैं कुछ समझा नहीं। यार, अब तो तू खूब समोसे खाता होगा, तेरे पापा ने समोसों की रेहड़ी जो लगाई है। बुलबुले की यह बात सुनकर जग्गू कौवा झूठ बोलता है। अभी तुम सबको थोड़ा मजा चखाता हूँ। हाँ दोस्त, मैं तो खूब समोसे खाता हूँ, जितना मन करे उतना खाता हूँ। जग्गू, तू एक बार में कितने समोसे खा लेता है? कम से कम 8 समोसे खा लेता हूँ, 2 सुबह को, 3 जाने के बाद और 3 सोते समय। जग्गू की यह बात सुनकर सभी पक्षी बच्चों के मुँह में पानी आने लग जाता है। चुप कर जा जग्गू, तेरी बातें सुनकर मेरा लंच खाने का मन नहीं करेगा, अब चुप हो जा। जग्गू, फिर तो तू लंच में भी समोसे ही लाया होगा। जग्गू थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बड़ी चालाकी से टिफिन खोलते हुए बोलता है। मेरा लंच में समोसे खाने का मन नहीं होता, इसीलिए मैं मम्मा से खिचड़ी बनवा कर लाया हूँ। जग्गू इतराते हुए सारी खिचड़ी खा लेता है और बाकी के बच्चे भी मन मार कर अपना अपना टिफिन खा लेते हैं। और छुट्टी होते ही सभी बच्चे अपने अपने घर को जाते हैं। पूरे 2000 के समोसे बचे हैं, ये ले गोरी और इन्हें संभाल कर रख दे, एक भी खर्च ना हो जाए। कालू, कम से कम मेरे लिए ना सही, पर जग्गू के लिए तो एक समोसा ले आया करो। ये क्या कहती हो गोरी, मैं पूरे 20 रुपए का नुकसान कर दूं, दोबारा ऐसी बातें मुझसे मत कहना। फिर अगले रोज कालू कौवा अंधेरे में ही उठ जाता है। वो सब्जी मंडी जाकर पहले से 2 आलू खरीद लाता है और पूरे 200 समोसे बना लेता है और सारे समोसे लेकर बेचने चला जाता है। वो जग्गू और गोरी के लिए एक भी समोसा नहीं छोड़ता। मम्मा, मेरे दोस्त समझते हैं मैं खूब समोसे खाता हूँ, परंतु उन्हें क्या पता हमें आधा समोसा भी नहीं मिलता। कोई बात नहीं मेरे बेटे, ऐसे ही झूठ बोल दिया करो, कम से कम इज्जत तो बनी रहेगी, तो खूब समोसा खाता है। फिर जग्गू कौवा भी स्कूल चला जाता है। आज तो सभी पक्षी दोस्त फैसला कर चुके थे, वो आज जग्गू के समोसे खाकर ही रहेंगे। जग्गू, तू तो दिन भर समोसे खाता है, लेकिन आज हमें भी समोसे खवाने ही होंगे, आखिर तुम्हारे पापा की दुकान है और हम सब तेरे पक्के दोस्त। बुलबुले की यह बात सुनते ही जग्गू कौवा चुप हो जाता है। क्या हुआ जग्गू, तुम हमें अपने समोसे नहीं खिलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर खिलाऊंगा, कल पक्का आप सबके लिए समोसे लाऊंगा। जग्गू की यह बात सुनते ही सभी पक्षी बच्चे बहुत खुश होते हैं, परंतु जग्गू कौवा तो बहुत बड़ी चिंता में था। कुछ भी हो जाए, अपनी नाक नहीं कटने दूंगा, कल सबको समोसे खिलाकर रहूंगा। फिर जग्गू कौवा छुट्टी होते ही अपने पापा की दुकान पर चला जाता है। पापा पापा, मैं समोसे बिचवाने में आपकी मदद करूं? नहीं नहीं, तुम घर जाओ और पहले अपना होमवर्क करो, यहाँ मैं अकेले ही काफी हूँ। पापा पापा, मैं अब यहाँ आ ही गया हूँ, तो एक समोसा दे दो प्लीज। मुझे सब पता था, तू मेरी कोई मदद वदत करने नहीं आया, सिर्फ समोसे लेने आया है, चल भाग यहाँ से, माँ का बेटा समोसा समोसा करता रहता है। जग्गू तो डांट खाकर चुपचाप घर आता है और समोसे चोरी करने का प्लान बनाता है। पापा, आपने मुझे मजबूर किया है, वरना मैं एक अच्छा बच्चा था। हर दिन की तरह कालू कौवा समोसे बना लेता है। जैसे ही कालू कौवा अपनी रेहड़ी तैयार करता है, जग्गू चुप से 4 समोसे चुरा लेता है और स्कूल भाग जाता है। आज तुम सबके लिए समोसे लाया हूँ, ये देखो गरम गरम है, जल्दी से टिफिन बंद कर दो, टीचर जी आ रही हैं। 91, 92, 93, 96, अरे 4 समोसे गायब हैं, कहाँ गए मेरे 4 समोसे, मैंने तो हर एक टोकरी में 100-100 समोसे रखे थे। गोरी, ओ गोरी, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ, क्यों दहाड़ मारे
जा रहे हो सुबह सुबह? गोरे, मेरे पूरे 4 समोसे निकालो जो तुमने खाए हैं। ओए कालू, मैं तो काफी देर से अंदर आटा गूंथ रही थी, फिर आपके समोसे कहाँ से चुरा लिए मैंने? ये उस शैतान जग्गू का ही काम होगा। कल आया था दुकान पर, मैंने वहाँ से समोसे नहीं दिए तो चोरी करके ले गया। जाता हूँ, अभी जाता हूँ। फिर कालू कौवा तुरंत ही जग्गू के स्कूल पहुँच जाता है। अपने पापा को स्कूल के अंदर देख जग्गू तो घबरा जाता है। टीचर जी, जरा जग्गू का बैग तो ला कर देना। दरअसल वो गलती से मेरा जरूरी सामान ले आया है, मैं वही लेने आया हूँ। जग्गू बेटा, आपके पापा आए हैं, अपना बैग लेकर जाओ। जग्गू कौवा डरते हुए अपना बैग कालू कौवे को थमा देता है। कालू तो जल्दी से उसका टिफिन चेक करता है। मिल गए मेरे समोसे। अच्छा हुआ जो मैं समय पर आ गया, वरना ये सारे हजम कर जाता और मेरा बहुत नुकसान होता। फिर कालू कौवा वो समोसे वाला टिफिन ले जाता है। जग्गू तो सिर्फ अपने पापा का मुंह देखता रह जाता है। वो अपने दोस्तों को अपने पापा की कंजूसी के बारे में बता देता है। पापा ने मुझे आज तक एक समोसा नहीं खाने दिया, इसीलिए मैं समोसे चुरा के लाया था, जिन्हें पापा यहाँ से भी लेकर चले गए। हमें माफ कर दे जग्गू, हमारी वजह से तूने समोसे चुराए और डांट भी मिली तुझे। कोई बात नहीं जग्गू, मेरी मम्मा को समोसे बनाने आते हैं, मैं कल आप सबको जी भरकर समोसे खिलाऊंगा। फिर कुक्कू छुट्टी होते ही घर जाता है और अपनी मम्मा को कालू कौवे की सारी बातें बताता है। ये कालू तो बहुत कंजूस है, बताओ बच्चों के समोसे भी छीन कर ले गया। कोई बात नहीं कुक्कू, मैं कल तुम सब दोस्तों के लिए समोसे बनाऊंगी, फिर आप अपने दोस्तों को पेट भर खिलाना। फिर अगली सुबह रानो चिड़िया समोसे बना देती है। कुक्कू तो काफी सारे समोसे लेकर स्कूल जाता है और सभी बच्चों को बांट देता है और सभी पक्षी बच्चे खुशी खुशी समोसे खाते हैं। आपका धन्यवाद। जंगल में बहुत तेज बारिश और तूफान आया हुआ था। उस तेज तूफान बारिश में रानो और उसका पति भोजन की खोज में घर से बाहर गए हुए थे। टुन्नू जी, आप कहाँ हो? जल्दी से घर चलो, बारिश और भी तेज होती जा रही है, जान बची तो भोजन कभी और खोज लेंगे। ऐसे रानो चिड़िया अपने पति को खूब आवाज लगाती है, लेकिन टुन्नू चिड़ा तो नहीं आता। चिड़िया को ऐसे भीग देख एक कबूतर जो कि वहां से गुजर रहा था, वो उसके पास आता है। आप इतनी तेज बारिश में किसको आवाजें लगा रही हो? यहां कोई नहीं आने वाला, क्योंकि सभी अपने घोंसलों में छिपे बैठे हैं। कबूतर भैया, मैं और मेरा पति यहां भोजन की खोज में आए थे, अचानक से टुन्नू जी कहां चले गए, बस उन्हीं को बुला रही हूँ। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कबूतर इधर उधर नजर घुमाता है। तभी उसे नदी के पानी में एक टूटा हुआ पंख दिख जाता है। चिड़िया बहन, कहीं वो पंख आपके पति का तो नहीं है? चिड़िया पंख को देखते ही समझ जाती है कि उसका पति नदी के पानी में बह गया और रोते हुए उस पंख के पास जाने लगती है। नहीं चिड़िया बहन, आप ये गलती कभी मत करना, नदी का पानी बहुत तेज बह रहा है और ये बारिश और हवाएं भी बहुत तेज हैं, ऐसे में आपका नदी के पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन वो पंख मेरे टुन्नू जी का है, मुझे उसके पास जाने दो। अगर आप नदी के पास गई तो खुद भी पानी में बह जाओगी, फिर आपके बच्चों का क्या होगा? इस तेज तूफान में कोई उन्हें भोजन तक के लिए नहीं पूछेगा, फिर तुम्हारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। कबूतर की यह बात सुनकर चिड़िया नदी में जाने से रुक जाती है और अपने घर को लौट जाती है, जहाँ उसके बच्चे बेसब्री से भोजन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं खाया था। आ गई मम्मा, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, अब जल्दी से हमें भोजन दो, बहुत तेज भूख लगी है। चिड़िया अपने बच्चे की बात सुन कुछ नहीं बोलती। तभी उसका दूसरा बेटा भी कहने लगता है। मम्मा, हमें जल्दी से भोजन दो, कितनी देर से भूख लगी है और आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो,
और पिताजी कहाँ हैं? आप दोनों थोड़ा इंतजार करो, क्या पता भोजन पिताजी के पास हो। चिड़िया अपने बच्चों की ऐसी बातें सुन रोने लगती है। मम्मा आप रो क्यों रही हो? आपको शायद भोजन नहीं मिला होगा। तो कोई बात नहीं, अब हम आपसे भोजन को नहीं कहेंगे, आप चुप हो जाइए। हाँ मम्मा आप चुप हो जाइए, हमें भूख नहीं लग रही, और जब हमें भूख लगेगी तब हम बारिश का पानी पी लेंगे, पर आप रोइए मत। अपने बच्चों की बातें सुन चिड़िया उन्हें बता देती है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो कैसे नदी के पानी में बह गए, क्या हमारे पापा मर गए, ये सब हमारी वजह से हुआ है। ना हम इस तेज बारिश में भोजन की कहते और ना ही मम्मा पापा घर से बाहर जाते। ये कहकर सारे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। अब चिड़िया के बच्चे भूख से तड़पने लगे थे। नहीं, मैं अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकती, मुझे कहीं से भी भोजन का इंतजाम करना होगा। ऐसे सोचकर चिड़िया अपने घोंसले से बाहर चली जाती है और आसपास देखने के बाद उसे बारिश और तूफान के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूं? जंगल से तो भोजन कभी नहीं मिलेगा, किसी पक्षी से थोड़ा भोजन उधार मांगती हूं, शायद कोई दे दे। ऐसे सोचकर चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और थोड़े भोजन की मांग करती है। गौरी जी, चिड़िया को थोड़ा भोजन दे देते हैं, आखिर बुरे वक्त में वो भी तो हमारी मदद करती है। आप पागल हो गए हो जो इस बारिश के मौसम में चिड़िया को भोजन देना चाहते हो? चाहे कुछ भी हो, मैं उसे भोजन नहीं दूंगी। परंतु गौरी जी, हमारे पास तो कितना भोजन जमा है और हम बस दो हैं, तो ये भोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा है, कृपया थोड़ा भोजन चिड़िया को दे दें। खबरदार, जो मेरी मर्जी के बिना उस चिड़िया को थोड़ा सा भी भोजन दिया तो मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगी। कालू कौवा गौरी की यह बात मान लेता है और चिड़िया से भोजन के लिए मना करता है। माफ करना चिड़िया बहन, लेकिन मेरे पास भी आपको देने के लिए भोजन नहीं है। यह सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मिट्ठू तोते का दरवाजा खटखटाती है। मिट्ठू भैया, कुछ दाने मेरे बच्चों के लिए दे दो, वरना वो सब भूख से मर जाएंगे, उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। चिड़िया बहन, जो दाने मेरे पास थे वो मैंने अभी अभी खा लिए हैं, अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाती तो मैं आपको दाने जरूर दे देता। चिड़िया बहुत दुखी मन से रात होने पर अपने घर लौट जाती है और अपने बच्चों को भूखे सोते देख वहीं बैठकर रोने लगती है। इधर कालू कौवे को भी नींद नहीं आ रही थी, वो तो बस चिड़िया के बारे में ही सोच रहा था। मैं क्या करूं? जब से चिड़िया को खाली हाथ लौटाया है तब से बहुत परेशान हूं। मैं चिड़िया की मदद करना चाहता हूं, लेकिन ये गोरी तो सोने का नाम ही नहीं ले रही। कालू क्या सोच रहे हो, क्या आपको नींद नहीं आ रही? गौरी जी, नींद तो बहुत तेज आ रही है, बस सोने ही वाला हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा अपनी आंखें बंद कर लेता है और झूठे को गहरी सांस लेकर सो जाता है। ये देखकर गौरी कौवी भी सो जाती है। कुछ देर बाद कालू कौवा उठ जाता है, वो गौरी कौवी को आवाज देता है, मगर गौरी कौवी तो गहरी नींद में सो चुकी थी। अच्छा हुआ जो ये गौरी कौवी सो गई। अब जल्दी से चिड़िया के घर जाता हूँ और उसके भूखे बच्चों को भोजन खिलाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा एक पोटली में भोजन बांध लेता है और जल्दी से चिड़िया के घर जाता है। वह देखता है कि चिड़िया के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अरे बच्चों, जल्दी से मेरे पास आओ और ये भोजन खा लो, लड्डू और खिचड़ी लाया हूँ। सारे बच्चे भोजन देखते ही कालू कौवे को घेर लेते हैं और जल्दी जल्दी से भोजन खाना शुरू करते हैं। चिड़िया बहन, आप भी जल्दी से ये भोजन खा लें, गोरी से छुपा कर लाया हूँ। कालू भैया, आपने भोजन लाकर बहुत अच्छा किया, वरना मेरे बच्चे भूख से मर जाते, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
करूंगी। चिड़िया, इसमें कौन सा एहसान की बात है? जब हमारा घर टूट गया था तो आपने तेज तूफान में हमें अपने घर में रहने दिया और तो और अपना भोजन भी खिलाया था। ऐसे कालू कौवा और टूनी चिड़िया एक दूसरे का एहसान जता रहे थे कि तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है जो कि बहुत गुस्से में थी। कालू, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले इस चिड़िया को बताती हूँ। क्यों चिड़िया, मेरे पति से भोजन मंगा कर खाने में तुझे शर्म नहीं आती जो गपा गप खाई जा रही है? गोरी बहन, मैंने कालू भैया से भोजन नहीं मंगाया, वो तो खुद ही मेरे घर भोजन लेकर आए थे जिसके कारण मेरे बच्चों की जान बची है। हाँ गोरी, मुझसे बेचारी चिड़िया का दुख देखा नहीं गया और ना ही मुझे नींद आ रही थी। मैंने सोने की खूब कोशिश की, इसलिए मैं चिड़िया को भोजन देने खुद ही आ गया। ठीक है, तो अब रहो चिड़िया के ही घर में, मैं तो जा रही हूँ, और घर आने की कोशिश ना करना वरना मैं टांगे तोड़ दूंगी आपकी। ऐसे कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा तो बहुत डर गया था, वो लौटकर अपने घर तक नहीं जाता और वो चिड़िया के घर में ही सो जाता है और गोरी कौवी भी अपने घोंसले में लेट जाती है। लगातार बारिश होने के कारण उनके घर की छत कमजोर हो चुकी थी और गोरी कौवी के ऊपर टूटकर गिर जाती है। गोरी तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। कालू जी, भगवान के लिए वापस आ जाओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत चोट लगी है। गोरी कौवी पूरी रात वहीं घोंसले में पड़ी रहती है लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता। चिड़िया बहन, अब मैं घर जाता हूँ, शायद गोरी का गुस्सा अब शांत हो गया हो। ऐसे कहकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू को देखते ही गोरी कौवी राहत की सांस लेती है और कालू भी गोरी को जल्दी से घोंसले से बाहर करता है। गोरी, ये सब कैसे हुआ और आपको तो बहुत चोटें लगी हैं। चलो मैं आपको वैद्य के पास ले चलता हूँ। कालू जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको घर नहीं आने दिया और चिड़िया को भोजन देने के लिए भी मना किया, शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। आपने चिड़िया को भोजन दिया इसीलिए भगवान ने आपकी रक्षा की। इस तरह से गोरी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद गोरी भी दूसरों की मदद करने की ठान लेती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसे हर बुराई से बचाता है।